तो लड़कियों का चक्कर छोड़ो, अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि करियर सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एक अच्छी सी अभी वो लड़की मिल लड़के हम जाएगी। कमेंट करने वाले हैं, गुरुजी आप कहाँ थे अभी तक? जो इस हाँ चक्कर में पहले से पड़े हुए हैं, गुरुजी आप कहाँ थे अभी तक? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। और आज हम फाइनली रिएक्शन करने जा रहे हैं चैन के एक सॉन्ग पर। इस सॉन्ग का टाइटल है शेरोज गोरी, लड़की। हाँ लड़की शेरोज गोरी टाइटल है, है। शेरज गोरी अच्छा फैट ने गाया है और उसमें चैन के ने जो है रैपिंग की है, रैपिंग की है। तो ओके देखने में बहुत ओके, मज़ा आने वाला है। और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं चैन के तो वीडियोस उर्दू सॉन्ग में रैपिंग देखने चेक वाले हैं आज। करें, उर्दू में रैपिंग देखने में मज़ा आएगा। और पाकिस्तान का फर्स्ट या सेकेंड रैप सॉन्ग हम देखने जा रहे हैं। हियर यहाँ वी गो, देखो शेरोज गोरी, ओके शेरोज गोरी, ये है चैन के ओके, ये चेंज है फीचरिंग क्या है? फीचरिंग चैन के। अरे उसको चाइनीज लग रहा है लड़की, लड़की इन्होंने रस्सी से बांध रखा, ना। जालिम लड़की है ये तो। ओह तुम दोनों को लड़की निकली ठर की, तू चड्डी की तरह बदल गई क्यों? मैं दिल दूं पर उलट मांगे, अमीरों के पीछे पड़ गई तू। मच्छर की तरह तू मेरा खून चूस गई, पैसों के धुन में तू गुम हो गई, दुनिया के सर्कस में फंस गई तू। खिलौने की तरह मेरा दिल तोड़ गई, कद्दू जैसी शक्ल तेरी, शक्ल पे पिंपल की हवेली, जंगल तेरी टांगों पे बालों का, मेकअप करके भी लगी वेली, ब्रेकअप करे बारी बारी, चक्कर लड़कों के तेरे जारी जारी, गप्पर मैं तुझे पड़ेगा छत्तर, बता कितने आदमी थे? साली काली कलोटी मोटी, तू कोजी तू पैड़ी तू मैली, मासी तू चूड़ी, गटर की रानी भंगी, तू नंगी तू गंदी सी डायन, मर्दों की दूकी उल्लू की पट्टी, चंगड़ मुसल्ली मूत्र का जाग, भर के तेरी जैसी बैगन, तू भिंडी गोभी तू मूली, तू पूरी की पूरी गंदी सी सब्जी, इजी लोट की भिक मंग तेजी से लूटे सबको तू लूटे, जैसा फिगर तेरा जिस पर रगड़ कर चले यूं, बीवी मैं समझा तुझे पर टीवी चैनल की तरह बदले लड़के, ऊपर से शेरोज मुझे रोज पकाए सुना के अपने टुकड़े के। गलती लड़कों की ही है, क्यों पटाना ऐसी लड़की? यकीन करके कर दी थोड़ी बेवकूफी, शायद तू रहती सीधी सर पे अगर होती जासूसी, तेरे जैसे बची कुची अच्छाइयों को दुनिया से जुदा करें, तेरे जैसे लोग बारी बारी इंसानों को तबाह करें, छट्टी हिस बार बार आगाह करें, छट्टी हिस को शक समझा मैं, बेशक ये शक रिश्तों में मुश्किलों को जगा दे, सिखा गई सबक तू, अब रख ये प्यार अपने तख तू, दे दूं कैसे उसे माफी, रब को भी जो दवा दे, माफी कैसे तुझे दूं, खिलौने की तरह मेरा दिल तोड़ गई तू, माफी कैसे तुझे दूं, अनजाने की तरह मुझे छोड़ गई थी तू, याद कर कैसे भीख मांगी इस पीठ ने के तू ना जा ऐसे, माफी कैसे तुझे दूं, अंदर से मेरी मर गई रूह, मेरे गानों से अब गुस्सा निकल रहा है, ये गाने खुदकुशी खुदकुशी, तेरा तमाशा करके दूर दूर तक मिले ना खुशी, गुरूर थी तू मेरी हूर थी, अंधेरे में तू मेरी नूर थी, अंधेरे में
तू मेरी नूर थी, अब लगे बस तू मुझे मूर्ति। वापस रिएक्शन देख भाई की। फेक स्माइल बंदे की। लड़की साली। की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़की शेरोज शेरोज गोरी और चैन के यार आपने सच में ना मजे ला दिए, क्योंकि ये वीडियो से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए हैं और कुछ कुछ रिलेट भी कर गए हैं। क्योंकि ये एक्चुअली हर लड़का रिलेट करेगा। और चैन के ने जिस फीलिंग के साथ गाया ना, मुझे लगता है उनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, कोई लड़की अरे वो तो यार जो छोड़ के जा चुकी है, धोखेबाज। लड़की है ना, जैसे वो लड़की साली वो आफत की पुड़ी है, जिसको निकलो तो भी आफत और ना निकलो तो भी आफत। तो भी आफत मतलब वो, तो भी आफत निकलो तो भी आफत, मतलब जैसे शादी का लड्डू बोलते हैं ना, गले की हड्डी, निकलो तो भी आफत, उगलो तो भी आफत, दोनों ही तरह से प्रॉब्लम है। तो वो लड़की ना एक ही जगह और बड़ी बड़ी मूवीज इसकी एग्जांपल है कि बाहुबली जैसी मूवी में एक लड़की के पीछे वो भैया बाहुबली कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सिर्फ एक लड़की की वजह से इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उसके बाद जो एक और मूवी थी सोनू के टीटू की स्वीटी, उसमें दो दोस्तों के बीच में एक लड़की आ जाती है, गुंडे, हाँ गुंडे ले लो, दो दोस्तों के बीच में एक लड़की, तो लड़की जो है ना अच्छे अच्छों की ब्रांड वजह से आफत की पुड़िया है। बट लड़की समझदार भी हो सकती है कभी कभी, जो समझदार होगी वो घर बसाएगी। और जो ये सॉन्ग ना मैं उन लड़कियों को डेडिकेट करूंगा जो मुझसे हेट करती है, जो हेटफुल कमेंट करती है, ये उन लड़कियों को है जो इस चैनल को देखने के बाद भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये उन बंदों को है जो ऐसा मतलब बन जाते हैं, यू नो सी बन जाते हैं, जो सी बन जाते हैं तो वो अब सी नहीं बनेंगे, जिनका कट जाता है, जिनका कट रहा है उनको भी पल 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 पल, तो ये उनको भी डेडिकेट है। यार हमारा एक दोस्त है, वो उसका भी अभी ब्रेकअप हुआ, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसका ब्रेकअप हो चुका उसको है, बोलना पार्टी बना है इस बात की। हाँ मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा, उसको मैंने कॉल करा और भाई कैसा है, बोलता कहाँ है, मैंने बोला तो बोलता हॉस्टल में हूँ, मैंने बोला क्या, मैंने बोला अकेला है, तो बोलता बहुत बहुत अच्छा वाला था। मैंने बोला क्या यार दारू पिएगा, तो बोलता नहीं आंसू से पेट भर लिया। ये वो लोग है, मैं दारू नहीं पीता, वो पीता है, तो मजनू बन चुका है, मजनू बन चुका है, मतलब इनके साथ पार्टी करना कोल्ड ड्रिंक पीना, वो तो दारू पीता है ना साला, मतलब वो दारू पीता है, अपन कोल्ड ड्रिंक पीना तो अपनी कोल्ड ड्रिंक ऐसी लगेगी जहर एक कप खत्म होगा निकलू मैं यहाँ से। वो देवदास बन जाते ना, वो बुलाने के लिए दारू पीते, जो पगले हैं वो देवदास बन जाते हैं। और उनके साथ तो चाय पीना भी ऐसा होता कि दारू पी रहे हैं। हाँ। क्यों दारू चाय को भी ऐसे पियेंगे, बदबू भी बहुत गंदी लगती है दारू की। देखते बदबू सुनते से उल्टी स्मेल यार। हाँ पता नहीं, अभी हम मूवी देखने गए थे स्त्री, अपन गए थे ना अभी, याद है, तो पता नहीं कोई वो बियर वाला परफ्यूम लगा के आ गया, वो फॉग शायद। हाँ वो बियर फ्लेवर में था कुछ, तो इतनी गंदी स्मेल आई, मैंने सीट चेंज कर ली, मैंने उससे बंदे से बात की थिएटर वाले से, भाई मुझे सीट चेंज करना है, मुझे उल्टी हो जाएगी नहीं तो। इतनी गंदी स्मेल लगती है यार, इधर कॉर्नर में सक गए थे हम लोग। आप लोगों ने भी स्मेल ली होगी, बट लोग पीते कैसे समझ में नहीं आता, लोग बोलते गम भुलाने को पीते, मुझे समझ में नहीं आता क्यों गम भुलाने को पीते। वो पाउच वाले गुटके को फाड़ते और यू धुआं उड़ता ना, तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं यार। हाँ वो साला नशा उतरने के बाद तो फिर वही गम ताजा हो जाते हैं, मतलब क्या ऐसी दारू पीने से मतलब क्या है। तो वैसे पाकिस्तान में तो बैन ही है शायद दारू, दैट्स गुड यार, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा इंडिया में भी बैन हो, लेकिन भारी भरकम टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बैन नहीं करती है, अच्छी खासी कमाई होती है उससे, तो बहुत ज्यादा यार। एक तो टोल टैक्स तो खैर कंपनी को भी। तो हम बात कर रहे थे लड़की की, तो लड़कियों ये बात लड़की की ही थी वैसे। हाँ लड़कियां भी दारू पी रही है हमारे यहाँ, हमारे तो लड़कियां भी दारू पी है लपक के, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बोलो ना अभी फोन लगा के चार लड़कियों में पूछूंगा ना कि दारू पिएगी, तो चारों हाँ बोलेंगी। हाँ। मैं ये नहीं बोलूंगा चारों में से एक मना कर देगी, चारों हाँ बोलेंगी। जानते हैं हम ऐसी लड़कियों को, ऐसे टाइम पे हम उनके साथ नहीं होते, नहीं जाते हम उनसे मिलने, क्योंकि रिस्की होता है ना, रिस्की होता है भी काफी। हाँ यार कभी किसी ने कुछ पिला पुलू दिया तो क्या करें, हम शरीफ घर के लोग हैं, शरीफ बॉयज। हाँ तो लड़कियों का चक्कर छोड़ो, अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि
करियर सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एक अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। कमेंट करने वाले गुरु जी आप कहाँ थे अभी तक, हाँ जो इस चक्कर में पहले से पड़े हुए हैं, गुरु जी आप कहाँ थे अभी तक। जैसे ये चीजें पाकिस्तान में बहुत ना के बराबर होती है, अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो ये लड़की वड़की का चक्कर बहुत कम रहता है पाकिस्तान में। सब कजन वजन से शादी कर लेते हैं, टेंशन फ्री, बहुत जल्दी शादी हो जाती है मेन चीज। हाँ बहुत जल्दी शादी होना भी बहुत अच्छी चीज भी होती है, लेट भी होती है शादी कुछ लोगों की, कुछ ऐसे भी है। अरे तेरी शादी क्या, लोग सुन के शौक हो जाते हैं शादी की, शादी हो गई। यस यार मेरी शक्ल देख के लगता नहीं है ना। हाँ तो शादीशुदा हूँ यार। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, बॉयज तो मोस्टली लेट ही करते हैं। लेट होना चाहिए शादी यार, गर्ल्स की जल्दी कर लेते हैं। ये डिफरेंस देख लो ना शादीशुदा और उसका, ये डिफरेंस लेट ही होना चाहिए, लेट ही होना चाहिए। कभी अपने पेरेंट्स आपसे बोले शादी का और तो मेरी तरह मजबूर मत होना, इमोशनल ब्लैकमेल हो रही है। कुछ लोग खुशी खुशी हाँ कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। मैं तो भाई इमोशनल ब्लैकमेलिंग के चक्कर में फंस गया था। हाँ। मेरा तो ये चक्कर था। तो समझ लो इसकी कहानी पता चल गया होगा आपको, साहिल की शादी की हुई। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि साहिल की शादी हो गई, शादी हो गई, इट्स अ ब्लैकमेलिंग, जल्दी हो गई, इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। लगता तो नहीं है साहिल की शादी हो गई, इट वाज अ ट्रैप जो। हाँ अरे अभी एक सब्सक्राइबर ने हमारे, मैंने एक फोटो डाला था अभी, हम गए थे ना वहाँ मक्सी, तो वहाँ का फोटो डाला तो सब एक ने पूछा साहिल कहाँ है। मैंने बोला भाई उसे अपनी वाइफ को भी टाइम देना पड़ता है, हर वक्त तो मेरे साथ नहीं हो सकता। बोले था वैसे मेरी वाइफ भी है यार, तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, देना ही पड़ता है टाइम, जाए जाहिर सी बात है ना। इन तो ये लोग बोलने लग जाएंगे भाई, मेरी वाइफ बोलने लग जाएगी, जाओ तुम मेरी तुम्हारी दूसरी वाइफ के पास जाओ। सवेरे अब मैं जोरू जोरू करूंगा, बंद करिए जब ज्यादा हो गया। चलो यार अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। हाँ तो आपको लोगों को कैसा लगा बता देना, और लाइक उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, कमेंट करो, लाइक करो, उसके बाद में चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है। और कुछ वो लड़कियां होंगी जिनको मेरी बातें पसंद नहीं आई होंगी, तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है डिसलाइक करने का, तो कर देना, यू कैन यूज इट। हाँ और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, शेयर करना ना भूलना, और अपने ब्रेकअप फ्रेंड, ब्रेकअप वाले फ्रेंड्स को दिखा दो जिनका ब्रेकअप हुआ है। और फेसबुक पे प्लीज यार फॉलो कर लो फटाफट से। हाँ फेसबुक पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का हमें फॉलो करना, क्योंकि हम काफी वीडियोस वहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, स्पेशली ओएसपी रिएक्शंस, जो कि बाघी लाल इश्क पर, और भी बहुत सारे वीडियोस हमने फेसबुक पेज पर अपलोड किए, तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।